सो गुड इवनिंग, आज है सेकेंड पार्ट इसका। तो आज जब हम आपको सबसे पहले होटल का सेकेंड पार्ट में आपको ये वाला व्यू दिखाना चाहते हैं, ठीक है, तो आप देख सकते हैं हल्का हल्का दीघा वाला फीलिंग आ रहा है। सॉरी, देखिए क्या सुंदर नज़ारा है पीछे, और अभी ठंडा का टाइम भी है, तो कुल मिला के बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में तो हम आपको पक्का वाला वादा, अब तो फाइनल हो चुका है कि हम लोग को मंदिर जाना ही है दर्शन करने के लिए, तो लेट्स गो, चलते हैं। तो अभी हम लोग आ गए हैं टोटो पे, अब हम लोग क्योंकि हम लोग पिछले वाले ब्लॉग में देखे होंगे कि हम लोग जा नहीं पाए थे क्योंकि इतना दूर था, और अभी हम लोग टोटो से जा रहे हैं क्योंकि आसानी रहेगा पहुंचने में। फिर से है बार इस्कॉन, सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा मंदिर। चलिए मिलता है आपसे उधर ही। तो ये सब देख सकते हैं कितना भीड़ लगा हुआ है यहाँ पे आज, क्योंकि 25 दिसंबर के उपलक्ष में इतना भीड़ है, चारों तरफ ही भीड़ है, इतना भीड़ मतलब सोच सकते हैं। और यहाँ को काफ़ी फॉरेनर्स देखने को मिलेंगे जो कृष्ण धर्म को अपनाते हैं, और बस यही, इसी तरह आपको सामने विश्व का सबसे बड़ा मंदिर जो बनने वाला है इस्कॉन टेम्पल, वो आ रहा है, उसका भी हम आपको लाइव दर्शन करवाएंगे। तो देखिए कितना सजा हुआ लग रहा है मायापुर, कृष्णा नगर मायापुर। तो अभी हम लोग फिर से नाश्ते के लिए आ गए हैं, और समा पिता आंटी और भी लोगों से मिलाएंगे हम आपको, और शोभित आंटी और सब लोग मिल के अभी हम लोग नाश्ता करेंगे। की कोर्बो हमारा सिंघारा, फेमस चाय, सिंघारा चाय, मिस्टी अगर हो तो मिस्टी, और हमारे इस रेस्टोरेंट के, और हमारे सामने ही आपका मंदिर है इस्कॉन का सबसे बड़ा मंदिर। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। तो हम लोग गरम गरम सिंघारा खा रहे हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है। शुरू हो गया मेरा ये कृष्ण भक्त लीला, देख सकते हैं श्री महा मायापुर चंद्रोदय मंदिर, असली मंदिर जो ये शुरू होता है, यहाँ से ये द्वार शुरू हो जाता है आपका मायापुर का विशेष जो मंदिर है, ये है जो अभी तक वर्क इन प्रोग्रेस है, अभी तक बना नहीं है, बहुत एकड़ में बना है ये मंदिर, और वो उस तरफ अभी ओरिजिनल भगवान जी उधर विराजमान है। ये है इधर में विशाल काय मंदिर, जो कि सिर्फ आपको यहाँ से देखने में ऐसा लग रहा है, पीछे बहुत एकड़ में फैला हुआ है, आपको हम पूरा हिस्ट्री बताते हैं। और ये इसका तो हम हमेशा की तरह क्षमा मांगते हैं आपसे कि हम आपको अंदर का सीन नहीं दिखा पाए, लेकिन ट्रस्ट मी, इतना अच्छा मेरा वो था एक्सपीरियंस कि हम उसको बयां नहीं कर पा रहे। वाकई में आपको मायापुर आना पड़ेगा, स्पेशल लोकेशन में शोभा यात्रा निकालना पड़ता है, और बहुत ही अच्छा अद्भुत मतलब कृष्णमय हो गया था, आपको यहाँ ज़रूर आना चाहिए। तो फिलहाल अभी का तो प्लान अभी ये है कि इसको चलते हैं, और इस्कॉन गीता मेला चलते हैं, वहाँ आपको बताते हैं जहाँ पे सब कृष्णमय हो गए थे, जो डांस हुआ था आरती के समय उसका कुछ बयान नहीं कर सकते। तो चलिए दोस्तों, आगे और भी बहुत सारा प्रोग्राम हो रहा है, उसके लिए हम चलते हैं आपसे। इस्कॉन गीता मेला 2021-2022, सो लेट्स सी क्या है इसमें खास। Thank you.
अभी की छोटे छोटे विदेशी बच्चे जो हैं जो यहाँ की संस्कृति को अपनाए हैं, किस तरह से अच्छा डांस किया गया है, इसका आपको देखना जरूर बनता है। बहुत ही खूबसूरत डांस परफॉर्मेंस था। अब आगे भी देखते हैं और भी कौन सा डांस परफॉर्मेंस होता है। चलिए When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you're safe, that I will see you soon. If I can get the time beside you, I would, I would. If I can get the time beside you, बताएंगे क्या क्या एक्सपीरियंस हुआ। लेकिन उससे पहले आप ये विशालकाय मंदिर देखिए मेरे पीछे, ये वही मंदिर है जो इतना 2023 का इसका डेडलाइन है। हाँ, ये पूरा कंप्लीट होगा। और पीछे जो ऊपर आप देख सकते हैं हल्का सा गोल्ड का टच किया हुआ है, ठीक है। और अभी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हुआ जो शायद हम इसी वीडियो में अपलोड कर दें या फिर अगले वीडियो में आपको बता देंगे, ठीक है। और मन किया कि फॉरेनर लोगों के साथ थोड़ा सेल्फी वेल्फी ले लें, तो हम लोग की संस्कृति को अपना रहे हैं। बहुत ही बड़ा एक वो है, तो बहुत ही खूबसूरत सजाया। देखिए इस्कॉन को कितना खूबसूरत तरीके से सजाया गया है, वो यही चीज़ है। यहाँ से देखिए कितना विशालकाय मंदिर बनने वाला है। 2023 में डेडलाइन रहेगा कि अगर हो सके तो हम ज़रूर आएंगे। 2023 का आई थिंक सितंबर या अक्टूबर के महीने में ये तैयार हो जाएगा पूरा, इतना खूबसूरत मंदिर। ऑब्वियसली बहुत ही वीआईपी लोग आएंगे ही इसका उद्घाटन करने के लिए, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो बहुत एक्सपेक्टेशन नहीं है इस मायापुर से। तो देखिए दोस्तों, मेरे बगल में मेरे साथ मेरी तितली है, ठीक है। तो अभी हम लोग डिनर करने जा रहे हैं। एंड प्रजापति जी यानी तितली जो है, जो ऑलरेडी मेरे कंधे में बैठ गई हैं, इसका मतलब तो यही होता है, लोग कह रहे हैं कि मेरी शादी जल्दी हो जाएगी। सो इट्स डिपेंड क्या होता है। और कुछ लोग तो कहते हैं कि लक्ष्मी का भी वास होता है, पता नहीं। लाइट हमेशा मेरे को कुछ ना कुछ इशू कर ही देता है। सो इसका मतलब अभी भी मेरे साथ है, इसको मुड़ाना नहीं चाहते, लेकिन काफ़ी मज़ा आ रहा है। तो
लेट्स सी क्या होता है। हम कहाँ थे कि लाइट हमेशा मेरे को इशू कर ही देता है। तो अभी मैं कुछ देर पहले मेरे पास तितली बैठी हुई थी जो कि उड़ गई, अभी हम जानबूझ के उड़ा दिए बिकॉज बहुत देर से बैठी हुई थी। तो लोग कहते हैं कि जल्दी शादी हो जाता है और जल्दी आपका धन का लक्ष्मी बरसता है, तो ये दिस टाइप ऑफ थिंग्स तो है। और फिर से लाइट का इशू, परेशान हो गए इस लाइट के इशू से। एंड तो काफ़ी अच्छा सफ़र रहा। एंड अभी फिर हम लोग जा रहे हैं डिनर करने के लिए, आपको दिखाते हैं डिनर का मेन्यू, फिर इस व्लॉग को भी एंड करते हैं। कल का देखते हैं कल का सफ़र क्या होगा, कल का क्या प्लान रहेगा, मुझे कोई आइडिया नहीं है कल का क्या है। तो चलिए दोस्तों आपको डिनर दिखाते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं आपको। और आज का जो एक्सपीरियंस था मेरा कृष्ण जन्मभूमि में, जो एक्चुअली मथुरा वृंदावन का जो इस्कॉन का जो इस तरह का जो कल्चर रहता है, वो वाला फीलिंग जो था वो काफ़ी अच्छा था। तो चलिए अभी हम आ चुके हैं और डिनर करने के लिए, और अब उसके बाद फिर देखो क्या होगा। व्लॉगिंग करने नहीं दे रही है तो देख सकते हैं आप। एंड ये है वो शख्स, देखिए, जो मेरे को व्लॉगिंग करने में परेशानी कर रही है। तो चलिए आपको हम डिनर दिखाते हैं, फिर दिखाते हैं। तो चलिए अभी हम आपको दिखाते हैं अपने ग्रुप मेंबर से जो अभी आए थे, जो इतना देर से तो हम आपको दिखा ही नहीं पाए, लेकिन अभी हम आपको दिखाते हैं कि कौन कौन आया है। तो यहाँ देखिए श्रुति, श्रुति के भाई टिंकू, जोडू एंड शोम्पिदा आंटी जो कि बनाने नहीं दी रही है व्लॉग, एंड रोतामी मम्मी, शोम्पिदा आंटी की मम्मी एंड एवरीवन, और भी बहुत बहुत लोग हैं। चलिए दोस्तों खाना इंजॉय करते हैं। तो ये देखिए कितना विशाल ये नदी मायापुर में बसा हुआ, वहां सामने देख सकते हैं एक बोट। Thank you.